प्रेज लॉर्ड। दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेंगे। दोस्तों दूसरा कुरिन्थियों और 4:8 में इस प्रकार से लिखा है कि पौलुस कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, हम निरुपाय तो हैं परंतु निराश नहीं होते। दोस्तों पौलुस कहता है कि उनके जीवन में बहुत सारे क्लेश, परेशानियां, दुख, सताव तो आता है परंतु हम निराश नहीं होते हैं, हमें कोई रास्ता तो नजर नहीं आता, हम निरुपाय तो होते हैं परंतु हम निराश नहीं होते, हम अपने परमेश्वर पर यीशु मसीह पर आशा लगाए रहते हैं कि वो हमारे लिए हर एक परिस्थिति में मार्ग निकालेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब पौलुस और सिलास दोनों को पिटवा करके जेल में बंद कर दिया गया तो वो आधी रात को खुशी से भजन गाने लगे, और भजन गाते गाते ऐसा हुआ कि एक भूकंप आया और भूकंप के द्वारा उनकी बेड़ियां खुल गई और प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए जेल से बाहर निकलने का मार्ग बना दिया। और जब हम इसराइलियों के जीवन में देखते हैं, जब मूसा मिस्र से इसराइलियों को लेकर आ रहे थे तो आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, अगर वो पीछे आए तो फिरौन उन्हें मार देगा और आगे जाएं तो लाल समुद्र में वे डूब जाएंगे, कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था और वो निरुपाय हो गए थे। परंतु मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित कर दिया और सारे इसराइलियों को बीच ही बीच पार कर दिया और उन्हें उस क्लेश से, उस संकट से उनको बचा दिया। प्रिय दोस्तों उसी प्रकार से यदि आप आज ऐसी परिस्थिति में हैं जब आपको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है और आप निराशा में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से प्रभु ने पौलुस के लिए मार्ग बनाया, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इसराइलियों के लिए मार्ग बनाया, उसी प्रकार से वो आपके लिए भी हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक विपत्ति से निकलने के लिए मार्ग तैयार करेंगे। इस वचन को देखें कि हम निरुपाय तो हैं परंतु निराश नहीं होते हैं। दोस्तों निराश ना होए, पौलुस की तरह निराश ना होए, अपनी आशा को प्रभु पर बनाए रखें कि वो आपके लिए मार्ग बनाएंगे। निश्चय प्रभु आपको आपके संकट से, उस दुख से, उस परेशानी से, उस क्लेश से आपको बाहर निकालेंगे, आपके लिए वो रास्ता तैयार करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।